राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी गलियारों में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की राजनीति की। माना जाता है कि जिस पार्टी ने मेवाड़ जीत लिया उसकी सरकार बनना लगभग तय है, लेकिन मेवाड़ की राजधानी रही उदयपुर में इन दिनों अलग ही चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ कई दिनों से पोस्टर वार छिड़ चुका है। बाहरी नेता जहां लेग सिटी में बैनर पोस्टर के जरिए अपने आप को स्थानीय साबित करने की जुगत में लगे हैं, साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर लोगों से मेल मिलाप भी बढ़ा रहे हैं, वहीं बाहरी नेताओं ने स्थानीय नेताओं की चिंता भी बढ़ा दी है। इसी को लेकर शुक्रवार रात को कुछ लोगों ने बाहरी नेताओं के विरोध में शहर में कई इलाकों में पोस्टर बैनर लगा दिए। बैनर में निवेदक के साथ मनीष, सुनील और जगदीश के नाम लिखे हुए हैं। ये लोग कौन हैं और किनके कहने पर उन्होंने शहर भर में बैनर पोस्टर लगाए हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। हालांकि पोस्टर के ऊपर जय कांग्रेस और विजय कांग्रेस लिखा हुआ है। इससे साफ है कि पोस्टर लगवाने वाले कांग्रेस के ही स्थानीय दावेदार हो सकते हैं। शहर में बाहरी प्रत्याशी के विरोध में पोस्टर लगने से स्थानीय नेता काफी खुश होंगे। वहीं बाहरी नेता भी अब पोस्टर वार के जरिए ही अपने आप को स्थानीय साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय नेता को मौका देती है या इस बार कोई बाहरी ही कांग्रेस की तरफ से उदयपुर शहर विधानसभा का प्रत्याशी होता है। लेकिन यह पोस्टर वार दिन भर दोनों ही राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय रहा। सुन लो अब आवाज हमारी, नहीं चलेगा प्रत्याशी बाहरी, आपनो उदयपुर आपनो उम्मीदवार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उदयपुर में भी अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं और बाहरी नेताओं का विरोध शुरू कर दिया है। इसी को लेकर शहर के विभिन्न चौराहों पर कांग्रेस की ओर से यह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मनीष, सुनील और जगदीश नाम के निवेदक का नाम लिखा हुआ है। हालांकि अभी तक यह पूरा मालूम नहीं चला है कि यह बैनर पोस्टर किसने लगवाया है, लेकिन ऊपर जो जय कांग्रेस और विजय कांग्रेस लिखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगवाए गए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में कांग्रेस की ओर से स्थानीय नेताओं को टिकट दिया जाता है या बाहरी नेता अपना दबदबा कायम रखेंगे। उदयपुर न्यूज़ के लिए लखन शर्मा।